इस बार की दिवाली पर सरकार टैक्स पेयर्स को खास तोहफा दे सकती है। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी के बाद अब पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कटौती पर भी विचार किया जा रहा है। ये खपत बढ़ाने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है। सरकार को भरोसा है कि डिमांड बढ़ाने में पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती असरदार साबित हो सकती है। अभी गवर्नमेंट ने एक डायरेक्ट टैक्स कमेटी बनाई थी। डायरेक्ट टैक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में काफ़ी सारे टैक्स रेगुलेशन सबको काफ़ी चीज़ें चेंज करने की बात हुई। उसमें एक बड़ा मुद्दा इनकम टैक्स इंडिविजुअल इनकम टैक्स के स्लैब रेट को भी लेके था। इनकम टैक्स के स्लैब रेट पहले से जो अभी करंट चल रहे हैं उसके हिसाब से काफ़ी कुछ स्लैश डाउन करने की कम करने की बात कही थी। से फॉर एग्जांपल 5 से 10 लाख जो अभी 20% के स्लैब में आ रहा था वहाँ पर 10 लाख करने की बात हुई थी। ऑल्दो गवर्नमेंट अभी पूरा DTC कोड तो लाने की प्लान नहीं कर रही है, लेकिन कंसीडरिंग के अभी कॉर्पोरेट टैक्स रेट में काफ़ी कम आई है, इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट जल्दी ऐसे डिक्लेयर भी करे और आपके इंडिविजुअल्स के टैक्स रेट भी कम कर रहे हैं। अगर सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में कमी का फैसला करती है तो जाहिर है इससे मध्य वर्ग के हाथ में ज्यादा रकम बचेगी। इससे खपत और ग्रोथ को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक सरकार की योजना 5 से 10 लाख की टैक्सेबल इनकम को 20% की जगह 10% टैक्स स्लैब में लाने की है। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार सेस सरचार्ज को भी हटा सकती है। इसके अलावा भी कई तरह की टैक्स छूट का भी ऐलान किया जा सकता है। सरकार का इरादा हर एक टैक्स पेयर को टैक्स रेट में कम से कम 5% का फायदा देने का है। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि राजस्व में घाटा तो सरकार को इस कदम से होगा, लेकिन टैक्स रेट कम करके अगर अर्थव्यवस्था में उछाल आता है तो फिर खपत बढ़ने से इस राजस्व घाटे की भरपाई भी हो सकती है। यदि ये गवर्नमेंट रेडी हो जाती है और टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देती है तो सभी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इंडिविजुअल्स के हाथ में इनकम कैश फ्लो बढ़ जाएगा, टैक्स की डिडक्शन से कम हो जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर सीधे इफेक्ट करेगी कंजम्पशंस को, इन्वेस्टमेंट्स को, तो ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर एंड फील गुड फैक्टर रहेगा। कॉर्पोरेट रेट में कटौती से सरकार ने राजस्व को 1,45,000 करोड़ के घाटे की आशंका जताई थी। सितंबर का GST कलेक्शन भी 19 महीने के निचले स्तर 91,000 करोड़ के करीब जा लुढ़का था। अब पर्सनल टैक्स में कमी से भी सरकार को राजस्व का घाटा होगा, लेकिन अगर इस वजह से डिमांड और खपत बढ़ाकर आर्थिक सुस्ती को दूर किया जा सकता है तो हर तरह की मुश्किलें खुद ब खुद दूर हो सकती है।